হায়দৰাবাদত দুদিনীয়াকৈ বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো। হায়দৰাবাদত দুদিনীয়াকৈ বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হৈছে। কাৰ্যনিৰ্বাহকত দলৰ পৰৱৰ্তী ৰণকৌশল সম্পৰ্কত আলোচনা। কাৰ্যনিৰ্বাহকত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বিজেপিৰ প্ৰায় 340 প্ৰতিনিধিৰ অংশগ্ৰহণ কাৰ্যনিৰ্বাহকত। বৈঠকৰ অন্তত সংবাদমেল সম্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ। কাৰ্যনিৰ্বাহকত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ। বিজেপিৰ আন বহু নেতা মন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ কাৰ্যনিৰ্বাহকত। আৰু ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলক জনাইছো যে বৈঠকৰ অন্তত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এই মুহূৰ্তত সংবাদমেল আগবঢ়াইছো। उसका सामना किया और उन्होंने अपमान सहा, लेकिन संविधान के प्रति उनका निष्ठा है कि वो चुप रहे। आज विपक्ष का नेता भ्रष्टाचार के आरोप में देश में अराजकता फैला रहा है। अमित शाह जी ने विपक्ष पर भी कुछ बोला। आज विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उसके ही सदस्य लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन डर से परिवार अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कर रहा है। कांग्रेस का मोदी फोबिया हो गया है। कांग्रेस देश हित के हर निर्णय का विरोध करने लगे हैं। हताशा और कांग्रेस कंप्लीटली हताशा और निराशा में है। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध, एयर स्ट्राइक का विरोध, धारा 370 के खत्म करने का विरोध, जीएसटी का विरोध, आयुष्मान भारत का विरोध, योग का विरोध, वैक्सीन और वैक्सीनेशन का विरोध, सीए का विरोध, ट्रिपल तलाक का विरोध, राम मंदिर का विरोध, आजादी के अमृत महोत्सव का विरोध, हर विषय में कांग्रेस खाली विरोध का ऊपर ही विरोध करते जा रहा है। कांग्रेस का राजनीति एक परिवार की जागीर समझती है। हम राजनीति को सेवा का माध्यम समझते हैं। राजनीतिक हिंसा का दौर खत्म होना चाहिए। अमित शाह जी ने यह विरोधी जो अभी वातावरण है उनका ऊपर बोला। राष्ट्रपति चुनाव पर अमित शाह जी ने बोला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में दो राष्ट्रपति चुनाव का अवसर आया। भाजपा ने एक बार दलित को, दूसरी बार एक महिला आदिवासी को चुना जो जमीन से जुड़ी रही है। सुरक्षा का व्यापक सुधार का बारे में बोला। मोदी जी के नेतृत्व में बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ हुए हैं। रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग बनाया है धारा 370 का एबोल्यूशन करते हुए। अग्निपथ योजना का सहायता हुए सराहना हुए। सीडीएस और आरोप ये दोनों का और 3,000 करोड़ रुपया का 3,000 रक्षा उपकरणों का निर्णय में प्रतिबंध पर भी सरकार का प्रशंसा किए गई। रक्षा क्षेत्र में निर्यात में 6 गुना वृद्धि हुआ है। चुनाव में जीत, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कैसे भारतीय जनता पार्टी एक की बाद एक चुनाव जीत रहा है। अमित शाह जी ने बोला सदन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में राजनीति का परिचय बदला है। पहले चुनाव जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण का आधार पर लड़ा जाता था। क्षेत्रवाद